तो जो भी शास्त्र समझना चाहता है देखना चाहता है आई रिक्वेस्ट देम डू नॉट बी अटैच टू एनी शास्त्र आप शास्त्र पढ़ें उसे क्वेश्चन करें इन्जॉय करें समझें इन दी एंड जो समझें उसे डिटैच हो जाए रिलीजन इन द वेस्टर्न टर्म ठीक है यहाँ पे ब्लाइंड बिलीव सुपरस्टिशन यू हैव टू फॉलो सम बुक ये सारा आपका रिलीजन डेफिनेशन में आ जाता है बट वेन यू टॉक अबाउट शास्त्र इट्स ऑल अबाउट क्वेश्चनिंग ठीक है इट्स साइंटिफिक दर्शन की कैटेगरी में जाते हैं क्यों इसलिए व्हाई व्हेन वेयर तो जो कर रहा है यू आर नॉट द डूअर भगवत गीता वन हू थिंक्स हिमसेल्फ टू बी अ डूअर इज द ग्रेटेस्ट ऑफ द फूल्स वैदिक दर्शन अवैदिक दर्शन आस्तिक दर्शन नास्तिक दर्शन ठीक है तो ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारे दर्शन हैं और बहुत लोगों का मानना है नास्तिक दर्शन इनफीरियर है आस्तिक दर्शन सुपीरियर है मैं सभी से बोलना चाहूंगा ऐसा कुछ नहीं है दर्शन इज दर्शन हेलो एवरी वन वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ द जे एन भारत शो एंड आज हमारे साथ एक और स्पेशल गेस्ट हैं ही इज़ ऑन ऑथर वो एक ऑथर हैं लेखक जिन हिंदी में हम बोलते हैं एंड उन्होंने बुक्स इतनी सारी लिख चुके हैं और इतनी सारी बुक्स को ट्रांसलेट कर चुके हैं कि गैस मैंने मैं लिस्ट याद नहीं रख पाऊँगा तो आई हैव द फुल लिस्ट हेयर तो मैं कुछ बुक्स का नाम लूँगा एंड आई थिंक मोस्ट ऑफ यू हु आर इंटरेस्टेड इन रीडिंग बुक्स जिनको ऑलरेडी बुक्स पढ़ने में इंटरेस्ट है वो इसी से जान जाएंगे कि किसकी बारे में बात हम कर रहे हैं उन्होंने ट्रांसलेट की है योग सूत्रास भगवत गीता, अष्टवाकर गीता विजनन तंत्र, कैवल्य उपानिषद गर्भ उपानिषद एक्सेट्रा ऑथर्ड <laughs> बुक्स लाइक आई ऑफ शिवा स्क्रोल ऑफ अष्टवाकर रिटर्न ऑफ द डिवाइन मदर और ही हैज़ बिन परसुइइंग इंडियन साइंस सिंस अ वेरी अर्ली एज बॉटअ अप इन अ फैमिल ऑफ़ डॉक्टर्स ये क्वेश्चन तो मैं जरूर पूछूंगा उनसे हुम सेल्स आर रोटेड इन एंशियंट इंडियन विजडम ही हैज़ ऑब्जर्व क्लोजली द एवल्यूशन ऑफ मॉडर्न साइंस एंड द वेरियस होलिस्टिक परस्पेक्टिव ऑन इंडियन नॉलेज चलो इतना डीप नहीं जाएंगे हम सीधा सर से बात करेंगे थैंक यू सो मच सर प्रशांत सर हाउ यू थैंक यू सो मच आपके दर्शकों को बहुत बहुत प्रणाम आपने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी है आपके मंच पे इंटरव्यू के लिए तो थैंक यू सो मच फॉर दैट थैंक यू सर सर सीधा क्वेश्चन एक आता है मेरे दिमाग में फैमिली ऑफ डॉक्टर्स और आप बन गए ऑथर वो भी मतलब इतनी सारी मतलब अप्रोच इतनी हाई मतलब डाई डिफरेंट अप्रोच तो हाउ डिड दिस हैपन आप ये कह लीजिए इट्स ऑल नेचुरल ठीक है तो मेरे पेरेंट्स डॉक्टर्स हैं माय फादर पास्ड अवे इन कोविड ओके okay. तो उन्हें मैंने बचपन से देखा है कि वो सोसाइटी के प्रति बहुत ही हेल्पफुल रहे हैं mm -hmm. किसी को कभी भी कुछ जरूरत पड़ी है किसी हेल्प की जरूरत पड़ी है देर ऑलवेज बीन देर अपार्ट फ्रॉम दैट दे हैव ऑलवेज बीन वेरी वेरी साइंटिफिक की शास्त्रों का ये अर्थ क्या है mm -hmm. ठीक है अगर ये कहा जा रहा है तो इसका अर्थ क्या है तो आई हैव बीन वेरी वेरी साइंटिफिक अबाउट दैट ओके कि अच्छा वो जैसे बचपन में वो कुछ बोलते थे उस वक्त समझ नहीं आता था बट दे हैव बीन उन्होंने उन्हें बोला क्या बिकॉज योर पेरेंट्स आर योर फर्स्ट गॉड्स लाइक राइट सो यू ऑलवेज लुक अप टू दैम कि वो mm -hmm. क्या कह रहे हैं तो वेन योर पेरेंट्स से समथिंग तो इट हैज एन इम्पैक्ट ऑन यू इट हैज इम्पैक्ट ऑन एवरी चाइल्ड राइट सो माई दादी माई ग्रैंड मदर शी वॉज संस्कृत एक्सपर्ट ठीक है तो उनसे मैंने संस्कृत भी सीखी मेरे स्कूलिंग में भी मैंने संस्कृत ही ली थी hmm. तो उनसे भी मैंने काफ़ी वाद विवाद किया उन्हें बड़ा खुशी होती थी वाद विवाद करते हैं अच्छा। तो <laughs> so, करते करते आई काइंड ऑफ स्पायरल इन टू इट सर आपने अभी बात की व्हेन यू वर टॉकिंग अबाउट योर फादर एंड योर ग्रैंड पेरेंट्स कि यू आपने शास्त्रों को हमेशा साइंटिफिक वे से देखा है तो मेरे को थोड़ा इसके बारे में एक्सप्लेन कीजिए और लाइक कि उपानिषद्स हैं हमारे अथर्व वेद ऋग्वेद सामवेद यजुर्वेद हैं आपने इनको साइंटिफिक वे में किस मतलब कैसे देखा है मतलब वट इज़ योर अप्रोच सो फर्स्ट दे हैजू बी सर्टेन फाउंडेशन राइट यू आर बीइंग साइंटिफिक सो फॉर एग्जाम्पल वेन यू आर अ स्टूडेंट ऑफ लेटे मैथ्स सो यू हैव पैथागोरोस्िरम फॉर एग्जाम्पल राइट तो हम मैथ्स में हमें सिखाते हैं हाउ टू डराइव थ्योरम्स राइट ना हु इज बेटर वन हु डेराइव इट और हु जस्ट मगज ठीक है कौन बेटर है mm -hmm. जो डेराइव करता है उसका इम्पैक्ट उस पर लॉन्ग लास्टिंग रहता है बिकॉज ही हैज सीन दिन बर्ट्स ही हैज सीन वाई वाई दिस वाई नॉट दिस ठीक है बट जो मक करता है जो सिर्फ रटता है उसे क्या याद रहेगा उसे मतलब ही नहीं बिल्कुल जो इन बिटवीन का प्रोसेस है उसे मतलब ही नहीं।, मतलब नहीं उसने बस रट लिया तो इट्स ऑल अबाउट दिस साइंटिफिक वे राइट तो दिस हैज टू बी द फाउंडेशन वेन यू आर टेकिंग अप एनी सब्जेक्ट यू हैव टू बी वेरी वेरी साइंटिफिक अबाउट दैट कि ऐसा क्यों कहा जा रहा है जैसे बच्चे अपने पेरेंट्स से क्वेश्चन करते हैं और उन्हें तंग कर देते हैं क्वेश्चन पूछ पूछ के इसका क्या मतलब है उसका क्या मतलब है दे आर जस्ट बीइंग साइंटिफिक ठीक है वो उन्हें जो है पता करने की कोशिश कर रहे होते हैं बिल्कुल बट पेरेंट्स बहुत बार बारी उसे नकार देते हैं सिमिलरली व्हेन यू आर टेकिंग अप शास्त्र यू हैव टू बी वेरी वेरी चाइल्डिश अबाउट इट बी साइंटिफिक अबाउट इट ठीक है चाइल्डिश उसका कोई नेगेटिव अर्थ न ले कोई भी चाइल्डिश जस्ट मीन हेयर उसका तात्पर्य यही है कि यू जस्ट बी विदीट्यूड ऑफ लर्निंग बी साइंटिफिक अबाउट इट हम इस टेंजेंट भी वापस आएंगे पर आपने मतलब वो थोड़ा डिफरेंस बता दीजिएगा भगवदगीता और अष्टोगीता मैं उसी का बता रहा हूँ आई वॉज जस्ट कमिंग टू नास्तिक एंड नास्तिक सारे शास्त्रों में दे डिफरेंस वो जो ऋषि है उसने अपने नजरिए से स्थापित किया है, ठीक है सारे ऋषियों ने जो जो शास्त्र हैं अपने नजरिए से स्थापित करे हैं बट ऑल अराइव एट द सेम कंक्लूजन कुछ आते हैं ना अस्ति के मोड से क्या नहीं है वॉट द रिमाइंडर इज है hmm. नहीं है नहीं है बाय द प्रोसेस ऑफ नास्ति, नास्ती वि एट द एंड नाउ आइर यू अंडरस्टैंड दो ही तरीके हैं जानने के नास्ती क्या नहीं है और क्या है जो है इट इज थ्रू प्योर रियलाइजेशन ठीक है जो नहीं समझे नास्तिक है मोड से दोनों ही तरीके हैं बहुत साइंटिफिक है ठीक है तो मैंने इसलिए क्वेश्चन आपको देव का मीनिंग समझाया था ठीक hmm, समझ है सो वन अंडरस्टैंड इट इज नॉट अबाउट गॉड इट इज नॉट अबाउट रिलीजन बिल्कुल इट अबाउट ऑफ सो दीज बुक्स टू बुक्स गो टू द सेम कंक्लूजन बट थ्रू डिफरेंट मेथड्स ऑफ आस्ती एंड नास्त्र ऑल शास्त्र ठीक है जितने भी शास्त्र हैं सब अपने अपने तरीके से आते हैं hmm. कोई भी शास्त्र बड़ा नहीं है कोई भी शास्त्र नीचा नहीं है ठीक है भगवत गीता थोड़ा है, गीता भी है कुछ शास्त्र उपनिषद हैं, छोटे हैं। इसका मतलब वो नहीं कि वो इनफीरियर हैं, वो अपने तरीके से समझाते हैं बट एलावुरेटिव, एलावुरेटिव है एग्जैक्टली तो भगवत गीता इज वेरी एलेबोरेटिव ठीक है अष्टवक्र गीता इज वेरी वेरी ब्यूटिफुल तो जो भी शास्त्र समझना चाहता है देखना चाहता है आई रिक्वेस्ट देम डू नॉट बी अटैच्ड टू एनी शास्त्र आप शास्त्र पढ़ें उसे क्वेश्चन करें इन्जॉय करें समझें इन द एंड जो समझें उसे डिटैच हो जाए मैंने सर अथर्ववेद रीड करना शुरू किया था बट मुझे समझ ही नहीं आया <laughs> मतलब वो मेरे तो बिल्कुल मतलब वो जो वर्डिंग्स उसमें लिखी थी आई वॉज नो नो वेयर नेयर दैट देखिए शास्त्रों के कंटेक्स्ट में डू नॉट रीड जस्ट फॉर टाइम पास डोंट मी ठीक है मैं ये नहीं कहना चाहता कि अच्छा कि आपने कुछ गलत किया या वैसे किया बट यू हैव गिवन हाउ मच टाइम फॉर प्राइमरी एजुकेशन है yeah. और लोग शास्त्रों के कंटेक्स में बुक उठा लेते हैं भगवद गीता में क्या है mm -hmm. तंत्रों में क्या है ठीक mm -hmm. है ऐसे ही मैं कोई बुक अगर उठा लूँ केमिस्ट्री में क्या है मैथमेटिक्स mm -hmm. में क्या है <laughs> 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 बिल्कुल सर उसे तो दो दिन में समझने की कोशिश करूँ विल दैट बी जस्टिस टू दैट टॉपिक नहीं तो वैसे ही मैं सारे के सारे व्यूअर्स को एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप जब शास्त्र पढ़ते हैं गिव इट प्रॉपर रिस्पेक्ट टाइम श्रद्धा भाव जैसे भगवदगीता में प्रश्न सी वजह जब गॉड का मैंने मेंशन किया तो वहाँ पे रिलीजन आ जाता है विच गॉड उसमें भी हाँ, कौन सा कौन से लेवल पे कुछ रिलीजन में गॉड से फियर किया जाता है नहीं फियर करोगे तो आपको सजा दी जाएगी ठीक है बट हमारे आई वॉन्ट इटली हम मुंह से कभी कभी निकल जाता है हमारा बिकॉज वी आर इंडियन बट इट्स नॉट एंडली हमारे शास्त्र इज फॉर एवरी वन ठीक है तो इफ यू सी द वर्ड देव देव इज नॉट फॉर इंडियन इट्स फॉर धर्म धर्म इंडियन मातृधर्म मातृधर्म इज नॉट फॉर जस्ट इंडियन मा इंडियन मदर्स इट्स फॉर ऑल द मदर्स ठीक है तो पुत्र धर्म गुरु धर्म शिष्य धर्म इट इज फॉर एवरी वन इन वर्ल्ड राष्ट्र धर्म फॉर पीपल ऑफ दैट राष्ट्र ठीक है इन सारे धर्मों से ऊपर एक और धर्म है दैट इज परम धर्म उसका मैं वर्णन नहीं करूंगा ऐसे ही ठीक है तो आई विल नॉट डिस्कस दैट तो जितना डिस्कस किया जाता है आई विल डिस्कस दैट ओनली श्योर तो नाउ see यू सी religion religion in इन western term ठीक hmm. है यहां पे ब्लाइंड बिलीव सुपरस्टिशन यू हैव टू फॉलो सम बुक ये सारा आपका रिलीजन की डेफिनेशन में आ जाता है बट वेन यू टॉक अबाउट शास्त्र इट्स ऑल अबाउट क्वेश्चनिंग ठीक है इट्स साइंटिफिक दर्शन की कैटेगरी में जाते हैं क्यों किसने वाई वेन वेयर ठीक है तो वेन यू सी दे कि डू नॉट फॉलो साइंस रिलीजियसली दैट मीन्स साइंस को आप ब्लाइंडली जैसे मैंने पाइथागोरस का एग्जाम्पल दिया डू नॉट फॉलो साइंस रिलीजियसली तो इसलिए जितने भी शास्त्र हैं डू नॉट फॉलो दैम रिलीजियसली टेल द पंच महाभूत पंच जैसे वायु एलिमेंट्स पृथ्वी अग्नि पानी ठीक है तो ये सारे पंच महाभूत हो गए हैं तो जल पानी मैंने बोल दिया संस्कृत प्रोनाउंसिएशन इज जल तो दीज आर अगेन नॉट द फिजिकल फॉर्म्स ओनली दे हैव एन एंटायर मीनिंग टू इट देर सेल्ड महाभूत यू हैव टू अंडरस्टैंड यू कैनोट कैजुअली से फायर वॉटर ठीक है यू कैनोट कैजुअली सेव टू अंडरस्टैंड ऑल

उसके आगे हम समझ पाते हैं वी के नॉट स्किप दैट लेक्चर राइट एक्सैक्टली तो उसके आगे हम मैथ मैथ समझ पाते हैं सिमिलरली देव पंच महाभूत धर्म यज्ञ ये सारे ऐसे कोर टर्मोलॉजीज हैं पिलर्स हैं इफ अगर आप शास्त्र से समझ रहे हैं यू हैव टू गिव इट अ थॉट यू हैव टू अंडरस्टैंड इट ठीक है तो यू हैव टू गिव प्रॉपर सेवा भाव प्रश्न भाव अगेन अंडरस्टैंडिंग तो यहाँ पे आपने एक चीज़ बोली यज्ञ क्या है सॉरी आपने uh, ये तंत्र के विषय में आपने बोला था रेगुलेशंस थोड़ा और क्या बोला था सर्टेन प्रैक्टिसेस mm -hmm. तो वैसे ही लोग यज्ञों को समझते हैं दे आर मेट फॉर सर्टेन प्रैक्टिसेस वैसे ही यज्ञ इट्स नॉट दैट

Hmm. अगर मैं कुछ बताना शुरू कर दूँ इस कॉन्सेप्ट और अगर उसका कोई नेगेटिव मीनिंग निकाल दें तो मेरा बोलना बेकार है hmm. है इसलिए महानिर्वाण तंत्र भगवत गीता के चैप्टर 18 में बोला गया है अर्जुन ये साइंस में ने तुम्हें समझाई है ये उसी को बोलना जिसमें देवotion की भावना हो जिसमें तपस्या भाव हो जो ये सही में समझना चाहे सर ऐसा भी होता शायद कि अर्जुन भी भूल गए थे गीता एंड उन्होंने फिर दोबारा गए थे कृष्ण के पास कि मुझे फिर से सुना दीजिए पर उन्होंने बोला सर नहीं अपनी दोबारा नहीं सुनाऊंगा दीज आर ऑल अजम्पशंस अजम्पशंस को एंड नहीं है मोर इंपॉर्टेंट हु इज अर्जुन मैंने आपको बोला कि जितने भी शास्त्र हैं वो एक उनकी एक बॉडी है और अर्थ अंदर छुपा हुआ है जो बॉडी से अटैच हो जाते हैं वो अर्थ को कभी खोज नहीं पाते हैं hmm. कुछ बॉडी में उलझ जाते हैं वर्ड्स hmm. में उलझ जाते हैं बिल्कुल और उलझ जाके बड़े खुश हो जाते हैं कि मैंने ये समझ लिया वो समझ लिया तो वन एस्पेक्ट ऑफ अर्जुन एंड कृष्ण इज टू रिलेट इट विद history other aspect is not to relate with history if there is another aspect of it not to relate it with history then who is Krishna who is Arjun okay <laughs> because right now in every process there is a Krishna and there is Arjun okay mm -hmm. whenever you are doing something there is a Krishna there is Arjun इट इज नॉट समथिंग कि कृष्ण थे अर्जुन थे, इट इज ऑलवेज हैपनिंग इन एवरी फील्ड एवरीवेयर इट इज ऑलवेज हैपनिंग देर इज द रीजन वाई दिस ज्ञान जितना भी शास्त्र समूह है इट इज कॉल्ड सनातन वाई इट इज कॉल्ड सनातन यू हैव टू डिस्कवर इट यू हैव टू फाइंड इट

कलर लेस ट्रू इट इज कलर यू कैन राइट इट इन अ बुक और बुक जल जाए तो क्या ट्रुथ इज लॉस्ट इज द ट्रुथ लॉस्ट नो इट इज देयर ये वन हु इज साइंटिफिक एंड डिराइव इट लाइक दिस एक्चुअली ओ कलर वो सनातन सच्चाई पे आ चुका है तो जितने भी शास्त्र हैं दे आर अन्स इट डज नॉट नेसेसरली मीन्स यू रिक्वायर दे वन हु ऑन इज ऑन दैट पाथ विद शास्त्र और विदाउट शास्त्री विल रीच ठीक है चलो जितने भी शास्त्र है दे आर हेल्पफुल अगेन मंत्र ठीक है जिसकी जिसके जिसके पास वाणी है जो ऑलिटेड है वो इको इनर इको जिसके पास है जो चले जा रहा है जिसके अंदर की अग्नि बिल्कुल consistent है है ठीक वही उस तंत्र का मंत्र समझ पाएगा बिल्कुल ठीक है जिसके पास नहीं है वो तंत्र ओ तंत्र तो ये है ओ शास्त्र तो I'll ये है ठीक हाँ, है वो अपनी में जीते रहेंगे और बड़े खुश हो जाएंगे उससे बिल्कुल बिल्कुल great sir had loved having a conversation with you hmm. one of the heaviest podcast i have done <laughs> in a while but loved it every bit of it thank you so much sir for coming on our show मैं बस एक चीज आपको और बोलना चाहूंगा कि मैंने अभी जो है भगवत गीता कृष्ण और अर्जुन को हिस्ट्री से बोला एक पार्ट हिस्ट्री है एक दूसरा नॉट हिस्ट्री है ठीक mm -hmm. है तो मैं सबको यही बोलना चाहूंगा कि अगेन देयर इज अ बॉडी When you talk about Sanatan, if you think it is related to history, then you are wrong. If you think it is not related to history, no. then also you are wrong. <laughs> nice, sir. <laughs> nice. Thank you, sir.